देखिए आज का प्रोटेस्ट जो था, ये एशिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिज़वी, उन्होंने एक ट्रेलर मूवी का ट्रेलर निकाला है, राम जन्मभूमि। ये मूवी जो है, मैं समझता हूँ कि अगर समाज में आएगी तो हिंदू और मुसलमान के बीच जो है बहुत ही काफ़ी रंजिश बढ़ जाएगी। और ये एक इलेक्शन नज़दीक है, इसलिए जो है अयोध्या में सम्मेलन किया जा रहा है, इस तरह की मूवी निकाली जाए। जबकि मूवी का मेन मकसद होता है कि जो है समाज की कुरीतियों को सामने लाएं और उनको जो है लोग है, एक एंटरटेनमेंट का साधन होता है, और ऐसी मूवी समाज में आनी चाहिए जो समाज की कुरीतियों को जो है दिखाए, ताकि वो दूर कर सकें। लेकिन छात्रों ने प्रोटेस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिज़वी साहब ने, जो पहले से अपने बयानों और विवादित बयानों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, अभी उन्होंने एक फिल्म लिखी है राम जन्मभूमि के नाम से और उसका ट्रेलर रिलीज़ किया है। उस ट्रेलर में मुसलमानों की छवि बहुत गलत दिखाई गई है। मौलाना सफर को एक नफरत भरे अंदाज में वहाँ पेश किया गया है, वो अपनी बहू के साथ हलाला करते हुए दिखाए गए हैं, और इस तरह जो 1990 में जो कारसेवकों पर गोलीकांड हुआ था उससे फिल्म की शुरुआत होती है। पूरी फिल्म बनाने के बाद वो लास्ट में ये कहते हैं कि मेरा किसी समुदाय को उसके जज्बातों को ठेस पहुँचाना मकसूद नहीं है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि ट्रेलर में आपने मुसलमानों की छवि बहुत गलत दिखा दी, और ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर आपको फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको कबूल करेंगे, हमें मालूम है कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा। आरो खबरेर अपडेट पेते सबस्क्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।